मुरादाबाद बेलारी विधानसभा से उपचुनाव जीतकर समाजवादी पार्टी के पक्ष में हवा बनाने का काम करने वाले मोहम्मद फहीम को विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडेय ने शपथ दिलाई है। बता दें कि मोहम्मद फहीम के पिता भी विधायक थे, जिनकी रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और इसके बाद ये सीट खाली हो गई थी। वहीं जीत के बाद फहीम ने सभी क्षेत्रवासियों को जीत की बधाई दी है। उपचुनाव जीतकर जो ट्रेंड है वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में करने का काम किया है मोहम्मद फहीम ने। मुरादाबाद से उपचुनाव जीत कर रहे हैं, बिलारी से। कैसा लग रहा है आपको, पिताजी की विरासत आपके कंधों पर आई है? सबसे पहले तो के न्यूज की तरफ से इस जीत की आपको मुबारकबाद, कैसा लग रहा है आपको? दुखद है क्योंकि वालिद साहब के जाने के बाद ये उपचुनाव हुआ। वालिद साहब जो बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत मजबूती के साथ बिलारी का विकास करा रहे थे, सभी वर्गों को, सभी धर्मों को लेकर चल रहे थे, लेकिन होनी को कोई नहीं टाल सकता। अचानक हादसा हुआ और ये उपचुनाव हुआ। मेरे विधायक जी माननीय हाजी मोहम्मद इरफान साहब, जिन्होंने विकास के काम किए, जनता ने, सभी वर्गों ने, सभी धर्मों ने मोहब्बत देकर उनके बेटे की शक्ल में मुझे जो चुनाव जिताया, जिसमें पार्टी का बहुत बड़ा योगदान रहा। माननीय अखिलेश यादव जी की नीतियों को लेकर हम लोग मैदान में उतरे, हमारा पूरा का पूरा समाजवादी पार्टी के नाम पर सब लोगों ने एकजुट होकर हमें वोट दिया और भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ करारा जवाब दिया। वो सांप्रदायिकता की लड़ाई लड़ना चाहते थे, लेकिन जनता ने विकास के नाम पर हमें वोट देने का काम किया। काफी टफ फाइट हुई, काफी करीबी फाइट रही और एक वक्त ऐसा आ रहा था कि कहीं ना कहीं से मतलब बहुत नेक टू नेक फाइट थी। क्या ऐसी उम्मीद थी आपको इतनी नेक टू नेक फाइट होगी? नेक टू नेक फाइट वो लोग मान रहे थे, ऐसा नहीं था। उन लोगों ने इलेक्शन को खराब करना चाहा, उन लोगों ने इलेक्शन को बिगाड़ने की कोशिश करना चाही, माहौल बिगाड़ना चाहा, लेकिन जनता ने 91,000 वोट देकर यह एहसास दिला दिया कि जनता विकास चाहती है, सम्मान चाहती है, एक दूसरे के साथ रहना चाहती है, एक दूसरे के साथ गंगा जमनी तहजीब को बनाना चाहती है। समाजवादी पार्टी का मिशन है, हमारा जिला अध्यक्ष जी का, हमारे माननीय आजम खान साहब का, महबूब अली मिनिस्टर साहब और राजकिशोर मंत्री साहब और पूरे नेतृत्व में, सबका नाम लूंगा तो आप लंबा हो जाएगा, लेकिन पूरा समाजवादी पार्टी ने, एक एक आदमी ने इस तरीके से मेहनत की, सब ने कार्यकर्ता बनकर और एक एक कार्यकर्ता ने, और खासतौर पर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं हमारे बिलारी विधानसभा के वो सारे वोटर जिन्होंने धर्म जाति से ऊपर उठकर वोट दिया, विकास के नाम पर वोट दिया। बिल्कुल, एक बड़ी चुनौती है इनके कंधों पर। इनके वालिद साहब की मौत के बाद उपचुनाव हुआ था और इनको वहां से समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया, फाइट हुई और ये चुनाव जीत कर रहे हैं। कुल मिलाकर ये अपनी जीत का परचम या अपने जीत का जो मोमेंटम है वो आगे 2017 के विधानसभा चुनाव में बरकरार रख पाएंगे, ये इनको द्वारा किए गए कार्य ही जो हैं वो सिद्ध करेंगे। लखनऊ में कैमरा पर्सन सुभाष भट्ट के साथ के न्यूज के लिए शबी हैदर।